हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ रेड वेलवेट केक की फ्रॉस्टिंग। इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेंगे। इसे हम एक से दो मिनट के लिए बीट कर लेंगे। हम इसमें तीन से चार बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। हम इसे भी साथ में व्हिप कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को कम से कम 7 से 8 मिनट तक व्हिप करना है। डालेंगे एक चम्मच वनीला एसेंस और इसे मिला लेंगे। रेड वेलवेट केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम इसमें 100 ग्राम क्रीम चीज़ डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बार फिर से हम इसे बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेलवेट स्पॉन्ज को बराबर करके काट लेंगे। इसे हमें 3 लेयर्स में कट करना है। कटर की हेल्प से हम रेड वेलवेट स्पॉन्ज को 3 बराबर लेयर में काट लेंगे। अब हम टर्न टेबल पे थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। इसके ऊपर हम केक का फर्स्ट लेयर रखेंगे और इसे शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग डालेंगे और इसे इवेंटली हम स्पैटुला की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इसे भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। इसे भी हम फ्रॉस्टिंग से कवर कर लेंगे। अब हम तीसरा और फाइनल लेयर रखेंगे और इसे भी शुगर से सोक कर देंगे। इसके ऊपर भी हम फ्रॉस्टिंग डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम केक को चारों तरफ से फ्रॉस्टिंग से कवर करेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम को हम रिमूव कर देंगे।
केक को कम से कम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। को डेकोरेट करने के लिए हम एक चम्मच न्यूट्रल जेल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे ताकि ये फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाए। इसमें हम थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हम इसे केक के ऊपर डालेंगे और हल्के हाथों से पूरे केक पर स्प्रेड कर देंगे। जेल को हम पैलेट नाइफ की मदद से पूरे केक पर धीरे धीरे स्प्रेड करेंगे। जो हमने केक की कटिंग निकाली थी उसे क्रम करके केक की साइड्स पर चिपका देंगे। के ऊपर हम थोड़ा सा एडिबल ग्लिटर स्प्रिंकल कर देंगे। मेरे पास एडिबल बटरफ्लाइज हैं जिससे हम केक को डेकोरेट कर देंगे इस तरह से। और लास्ट में हम केक की साइड्स को क्रीम से लाइन कर देंगे। रेड वेलवेट केक की फ्रॉस्टिंग तैयार है।